चलो हम लोग एमाइंस की बात करते हैं। एमाइंस जो है वो हमारा डेरिवेटिव है किसका? अमोनिया का। इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ, इट्स ए डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया से हम अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें, ठीक है, और एक अल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा 1 डिग्री एमाइन। ये हो गया आपका 1 डिग्री एमाइन, ठीक है, याद रखना है इसको। कार्बन से इसको 1 डिग्री नहीं देखते, ठीक है, नाइट्रोजन से 1 डिग्री देखते हैं इसका। और अगर इसमें अगर मैं एक और हाइड्रोजन हटा दूं और दूसरा अल्काइल जोड़ दूं, तो वही भाई, ये आपका हो जाएगा क्या? 2 डिग्री एमाइंस। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एमाइंस। म्यूट कर दो अपने आप को, अगर कोई अनम्यूट रहा तो निकाल दूंगा मैं। तो यहां पर हो जाएगा 2 डिग्री एमाइंस। और अगर मैं एक और हाइड्रोजन हटा दूं, एक और अल्काइल जोड़ दूं, तो ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन। क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एमाइन। तो 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये आपका हो गया अमाइंस का इंट्रो बेसिकली। अब यहां पर मैं बात करूं कि इसके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में भी आपका हो गया कि 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन आपको कैसे बताना है। ये हो गया आपका। अब बात इसके नॉमन क्लेचर की कर लेते हैं। तो एक बार इसके नॉमन क्लेचर पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। नॉमन क्लेचर में हम लोग इसको देखते हैं बेसिकली। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ले लिया ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इस तरीके से नाम आ गया इसका। तो इस तरफ आपके 2 कार्बन है, राइट साइड, लेफ्ट साइड में 3 कार्बन है। तो कम कार्बन वाले को हम अल्काइल ले लेंगे। कम कार्बन वाले को क्या लेंगे? अल्काइल। तो अल्काइल में ये क्या हो गया आपका? इथाइल। और ये आपका क्या हो गया? 3 कार्बन का, तो बोल देंगे हम प्रोपेन अमाइन। प्रोपेन अमाइन याद रखना, इस तरीके से नाम लेंगे हम। फॉर एन एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया और इसमें मैंने नाइट्रोजन ले लिया और ये CH3। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मिथाइल, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अमाइन, साइक्लोहेक्सेन अमाइन, इस तरीके से नाम ले लेंगे इसका। गॉट इट? तो याद रखना, जो कम कार्बन का होगा उसको आप अल्काइल लोगे, और जो ज्यादा कार्बन का होगा उसको अमाइन के साथ आप ले लोगे, रूट वर्ड में। क्लियर है? सफिक्स के साथ आप रूट वर्ड पे ले लोगे। अब हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की, कैसे हमको बनाना है अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस को कैसे कैसे बनाएंगे हम लोग। तो अमाइंस के बनाने के कुछ तरीके हैं, उन तरीकों पे ध्यान रखेंगे हम लोग। पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। देखना ये वाला ना कन्वर्जन में भी काफी यूज होता है, कि नाइट्रो कंपाउंड से हम कैसे बनाएं, नाइट्रो बेंजीन से हम कैसे बनाएं, ठीक है, एनिलीन कैसे बनाएं, तो इसमें ध्यान रखना। तो नाइट्रो कंपाउंड है आपका, नाइट्रो बेंजीन मैंने ले लिया, और नाइट्रो बेंजीन से आप लोग हाइड्रोजन और पैलेडियम डाल देना, तो रिडक्शन हो जाता है इथेनॉल की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा क्या? ये आपका बन जाएगा एनिलीन, ठीक है, ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन लगेगा। ये आपका इसमें पहला वाला हो गया रिडक्शन में। दूसरा रिडक्शन का प्रोसेस आप ये ले सकते हो, ये आपने नाइट्रो बेंजीन ले लिया, और रिएजेंट आप ले सकते हो, चाहे टिन के साथ HCl ले लो या फिर आयरन के साथ HCl ले लो, ठीक है, ये आप अपनी चॉइस ले सकते हो, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो यहां पर आपका फिर से रिडक्शन होने के बाद एनिलीन बन जाएगा, ये आपका एनिलीन कहलाता है, तो एनिलीन तैयार हो जाएगा आपका। तो 3 तरीके से रिडक्शन करते हो और 3 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। दूसरा आपका होता है अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस किसका? अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड।
अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो जो हमने अभी क्लासिफिकेशन में बताया था ना, अमोनोलाइसिस से ही हुआ था वो। कैसे? कि अमोनिया में आपने अल्काइल हैलाइड डाल दिया, ठीक है, और एक अल्काइल लग जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो जो हाइड्रोजन निकल रहा था वो एच हेलोजन के साथ निकलता है, अकेला तो निकलेगा नहीं, ठीक है, कोई लेने वाला होना चाहिए उसके साथ। तो ये बन जाएगा आपका 1 डिग्री एमाइन। और फिर से आप दूसरा अल्काइल हैलाइड ले लोगे तो आपका बन जाएगा 2 डिग्री एमाइन, ठीक है, और ये फिर से एच एक्स निकल गया। फिर से आप अल्काइल हैलाइड ले लोगे तो ये बन जाएगा 3 डिग्री एमाइन, ठीक है, और आप फिर से ले लोगे अल्काइल हैलाइड तो यहां पे बन जाएगा आपका टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। ये सॉल्ट हो गया आपका टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। इस तरीके से आप बना सकते हो, क्लियर है? अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री यहीं पर रोकना है तो यहीं पर आप रोक देना जो आपको चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तीसरा वाला हम बात करेंगे रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल के रिडक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा? जब आप नाइट्राइल लोगे RCN, ठीक है, इसका रिडक्शन कर दो आप H2 के साथ निकिल, ठीक है, सोडियम अमलगम ले लेना, सोडियम अमलगम इथेनॉल के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां पर आप तीन एच यहां पर और 3 H यहां पर ले लोगे तो यहां क्या बन जाएगा, सॉरी, यहां पे 2 H लोगे आप, यहां पर आप 2 H, यहां पर आप 2 H, 2 H और 2 H, ठीक है, दो दो बॉन्ड तोड़ना है ना आपको, तो यहां पर बन जाएगा आपको CH2 और NH2। ये आपका बन गया रिडक्शन का। अगर आपको एमाइड के साथ करवाना है, एमाइड से बनाना है एमाइड का रिडक्शन, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल देना, ये सबको रिड्यूस कर देता है, तो इसको भी रिड्यूस कर देगा, तो ये बना लेगा आपका RCH2NH2। क्या बना लेगा? RCH2NH2। इस तरीके से आप कर लेना। तो दो तरीके से आप करा सकते हो। देखो, नाइट्राइल की हर जगह रिएक्शन मिल जाएगी, एल्डिहाइड में भी, कीटोन्स में भी, एसिड में भी, तो नाइट्राइल की अमाइंस में भी है, नाइट्राइल और अमाइड, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहां पर, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, बड़ी इंपॉर्टेंट है और पिछले साल भी आई थी, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बेसिकली, इसमें आपका 1 डिग्री अमाइन बनता है, गैब्रियल में 1 डिग्री अमाइन बनता है। कैसे बनता है इसको पहले समझो, ठीक है, ध्यान से समझना। थैलेमाइड समझो पहले, पहली बात थैलेमाइड क्या होता है, ये है आपका थैलेमाइड, ठीक है, ये आपका है थैलेमाइड। अब थैलेमाइड में आप KOH डालोगे, पहले क्या डालोगे, KOH, तो पोटेशियम लगेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहां लगा दो भैया पोटेशियम, हाइड्रोजन को निकाल दो, तो नाइट्रोजन के साथ क्या लग गया, पोटेशियम लग गया, ठीक है। अब फिर इसमें अल्काइल क्लोराइड डाल दो, क्या डाल दो, अल्काइल क्लोराइड, तो KCl निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, KCl। आप सोडियम भी ले सकते हो, NaOH भी ले सकते हो, ठीक है, और R लग गया यहां पर। अब इसका क्या करोगे, अब इसका करा दोगे NaOH के साथ रिएक्शन, किसके साथ, NaOH, तो H प्लस आएगा और O नेगेटिव आएगा, H प्लस और O नेगेटिव, तो H प्लस O नेगेटिव में यहां इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, तो यहां पे ONa आ गया, यहां पे ओ एन ए आ गया, तो ये तो आपका निकल गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये आपका बाई प्रोडक्ट में मिलेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। इसको थैलिक एसिड बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। हमें मिला क्या, इसमें 2 H आ जाएंगे, एक ये H और एक ये H, मतलब अपना काम हो गया, क्या 1 डिग्री अमाइन बन गया, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन बनते हैं। तो पहले थैलिक थैलेमाइड में KOH डालो, फिर RCl डालो, फिर NaOH डालो,
एनओएच का ध्यान रखना है कैसे टूटेगा ये। एनओएच वैसे मत तोड़ना जैसे आप तोड़ते आ रहे हो बचपन से, एनए प्लस ओ एच नेगेटिव, बस ये याद रखना गैब्रियल में, बाकी और याद करने वाली कोई चीज नहीं है। फिर आपकी हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब यहां पे एक कार्बन का लॉस होगा डिग्रे, अगर कार्बन कम वाली स्टेप डाउन रिएक्शन करनी है ना तो ये रिएक्शन आप ले सकते हो। तो एमाइड के साथ आप रिएक्शन करवाओगे इसकी, रिएजेंट क्या लोगे, रिएजेंट लोगे Br2 के साथ NaOH, Br2 के साथ NaOH की रिएक्शन करवा दोगे, यहां आपका RnH2 बन जाएगा, मतलब निकलेगा क्या आपका ये निकल जाएगा पूरा, इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, इसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, NaBr और H2O, ये याद रख लेना बस, ये याद करने वाली चीजें, क्लियर है। तो एक तो एमाइड से ये बन सकता है और एमाइड से यहां भी बनाया तुमने, तो अगर उतने ही कार्बन का चाहिए तो डायरेक्ट रिडक्शन करा दो, और एक कार्बन कम का चाहिए तो फिर आप Br2NaOH के साथ करा देना रिएक्शन। ये आग होगी आपकी प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन हो गई। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी का यहां पर केस थोड़ा सा आता रहता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट तो आप वही बता दोगे कि इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, है ना, नंबर ऑफ कार्बन उस पर डिपेंड करती है, तो ये आप बता सकते हो। यहां पर अगर मैं सॉलिबिलिटी के बेसिस पे बात करूं, ठीक है, तो सॉलिब देखो बॉइलिंग पॉइंट में आप ये भी बता सकते हो कि जो 1 डिग्री होता है ना, 1 डिग्री ज्यादा होगा अगर इन तीनों में कंपेयर करें, तो 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, ये बॉइलिंग पॉइंट याद रखना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा ज्यादातर, अगर सेम मॉलिकुलर मास की बात करें तो, ठीक है। सॉलिबिलिटी के केसेस में थोड़ा सा देखना कि यहाँ पे सॉलिबिलिटी के केसेस में भी इसी तरीके से काम होगा, तो जो 3 डिग्री होगा ये नॉट सॉलिबल होगा, नॉट सॉलिबल, ठीक है, 3 डिग्री में आपका सॉलिबिलिटी नहीं रहती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख बस, बाकी आप ले सकते हो एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं वो सॉलिबल हो जाते हैं पानी में, लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो सॉलिबल हो जाते हैं, बाकी जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन बढ़ता जाएगा सॉलिबिलिटी कम होती जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बेसिक कैरेक्टर को देखते हैं, किसको देखते हैं, बेसिक कैरेक्टर। जब हमने एसिड की बात की थी तो हमने वहां पे एसिड कैरेक्टर देखा था, अमोनिया बेस है, अमोनिया का डेरिवेटिव है, तो यहां पर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे। तो यहां पे बेसिकली हम बात करें बेसिक कैरेक्टर की, तो जो RnH2 है, ठीक है, एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन, मतलब एरोमेटिक अमीन क्या हो गया आपका एनिलीन, तो कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा ज्यादा बेसिक है ये पूछा जाता है कई बार, तो एलिफेटिक अमीन हमारी ज्यादा बेसिक है, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक अमीन का लोन पेयर ना रेजोनेंस में आ जाएगा, तो इट इज लेस बेसिक, ये हो गया आपका बेसिक ऑर्डर, तो ये आप बता सकते हो, गॉट इट, ये आप बता सकते हो। अब बात आती है केबी, केबी मतलब बेसिक कांस्टेंट, तो केबी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बेसिक नेचर, जितना ज्यादा केबी उतना ज्यादा बेसिक नेचर, लेकिन पीकेबी जो होता है, पीकेबी वैल्यू वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है, ये सेम याद रखना जैसे उसमें हुआ था हमारा, क्लियर है, गॉट इट। पीकेबी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, माइनस का लॉग केबी, जैसे पीके होता है, पीके क्या होता है, माइनस का लॉग के ए, जैसे कि पीएच होता है, पीएच क्या होता है, माइनस का लॉग एच प्लस, सेम काम करता है बस,
क्लियर है? तो इसके वैल्यू के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं कई बार, इसके वैल्यू के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। अब हम बात करते हैं, यहां पर बेसिक नेचर में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एम आई, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एम आई, इसको थोड़ा सा देख लेना। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एम आई में अगर मैं बात करूं कि यहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एम आई, मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी, तो ये आर के बेसिस पे डिपेंड करेगा कौन सा आर है। आर अगर मैंने यहां पर आर मैंने ले लिया इथाइल, क्या ले लिया? इथाइल ले लिया। तो अगर मैंने आर इथाइल ले लिया ना, तो इस केस में, याद रखना कि 2 डिग्री वाला जो होता है, 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन हमारा ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है? 2 डिग्री एमाइन क्या होगा? ज्यादा बेसिक होगा, याद रखना। 2 डिग्री एमाइन क्या होगा? ज्यादा बेसिक। किससे? 3 डिग्री एमाइन से। फिर हमारा बेसिक होगा 1 डिग्री एमाइन, और फिर होगा अमोनिया, मतलब अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं अमाइंस, अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं अमाइन। क्यों क्यों बेसिक होते हैं? क्योंकि अल्काइल आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा। बेसिक नेचर इस पर डिपेंड करता है कि लोन पेयर वो कितनी जल्दी दे रहा है। लोन पेयर देना, लोन पेयर डोनेशन बताता है लुईस बेस को। किसको बताता है? लुईस बेस को, ये याद रखना। क्लियर हो गई इतनी बात? ये बताता है लोन पेयर डोनर। अब मैंने अगर आर जो है वो मिथाइल ले लिया, मिथाइल, तो मिथाइल के केस में क्या हो जाएगा कि आपका 2 डिग्री अमाइन तो ज्यादा होगा बेसिक, फिर आपका हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन, और फिर आपका होगा 3 डिग्री अमाइन, ठीक है? इसको बिल्कुल दिमाग में घोट लेना। और फिर आपका अमोनिया, अमोनिया सबसे लास्ट में होगा। तो इस केस को थोड़ा सा दिमाग में रखना कि 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1, 2 3 1 होगा किसमें? 2 3 1 होगा इसमें, और इसमें होगा 2 1 3, मिथाइल के केस में 2 1 3। क्लियर इतनी बात? इस तरीके से आप बता सकते हो। गॉट इट? एरोमेटिक अमाइंस हमारे कम बेसिक होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करने लगता है। अब बात आती है यहां पर कुछ केमिकल रिएक्शंस की। अब जो आपको मैंने एक रिएक्शन बताई थी फ्रिडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, तो यहाँ पे अच्छा फ्रिडल क्राफ्ट यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो फ्रिडल क्राफ्ट काम नहीं करेगी तो यहाँ पर अलग टाइप का एसाइलेशन होता है। एसाइलेशन कौन सा होगा? समझो, मैंने ले लिया एक एमाइन, ये ले लिया 1 डिग्री एमाइन, ठीक है? 1 डिग्री एमाइन है ये आपका, और ले लिया एसाइलेशन के लिए। एसाइलेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एसाइल क्लोराइड, ये हमें पता है, फ्रिडल क्राफ्ट में हम लेते हैं। तो यहां पे हमने ले लिया बेस, NaOH, KOH, जो लेना हो ले लेना। तो ये जो लोन पेयर है ना इसका, ये इस पे अटैक करेगा और निकालेगा क्या आपका? निकालेगा आपको Cl, Cl निकालेगा आपको। तो ध्यान देना इस पे, ये CH3, ये CH2, यहां पे N, ये भी H है, ये भी H है, नाइट्रोजन लगा कार्बन से, और ये आपका CH3, यहां पे आ गया प्लस, फिर ये हाइड्रोजन निकलेगा क्योंकि HCl साथ में निकलता है, अकेले नहीं जाएंगे। तो यहां हो गया CH3, CH2, तो यहां हो गया NH, ये हो गया C डबल बॉन्डो CH3, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है? इसका नाम कोई बताएगा? इसका नाम होगा एन इथाइल इथेन अमाइड, एन इथाइल इथेन अमाइड, इस तरीके से आप नाम बता सकते हो। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री तो देगा, लेकिन 3 डिग्री एसाइलेशन नहीं देता है।
3 डिग्री एसाइलेशन नहीं देगा, याद रख, क्योंकि 3 डिग्री में एच ही नहीं है। तो टर्शरी अमाइन डज नॉट गिव फॉर, डज नॉट गोस फॉर एसाइलेशन, ये याद रखना थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन 3 डिग्री लिख लेना, 3 डिग्री नॉट गोज फॉर एसाइलेशन, फॉर एसाइलेशन, क्योंकि ये देगा ही नहीं, फिर निकल नहीं पाएगा वो, एचसीएल नहीं निकल पाएगा। अब कार्बिल अमीन को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें दो टाइप के टेस्ट हमें पढ़ने को मिलते हैं, एक तो ये हो गया, एक हम लोग आगे पढ़ेंगे हिंसबर्ग टेस्ट। तो RnH2 क्लोरोफॉर्म ले लेना यहां पर, और KOH ले लेना, ठीक है, और हीट कर देना एक बीकर में, ये तीनों चीज ले लेना, अमाइन 1 डिग्री, क्लोरोफॉर्म और KOH। तो यहां पर आपको आइसोनाइट्राइल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आइसोनाइट्राइल, और KCl मिलेगा और वाटर। तो बेसिकली ये आपका जो रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन जो है, ये आपकी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन नहीं देती है, ये 1 डिग्री अमाइन ही देगी, ठीक है। तो ये याद रखना 1 डिग्री अमाइन ही देगी, है गॉट इट। आइसोसाइनाइड आपको पता है ये फोल स्मेल की होती है, गंदी स्मेल होती है इसकी, फोल स्मेल, फोल स्मेल से पता चल जाएगा ये आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड मतलब सड़ा हुआ कुछ मिलता है आपको यहाँ पर, गॉट इट। तो ये आप बता सकते हो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री नॉट गिव, 2 एंड 3 डिग्री नॉट गिव, ये याद रखना, यहां पे 3 डिग्री नहीं देगा, यहां पे 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देगा। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड मतलब HNO2। तो HNO2 की रिएक्शन करवा दो आप लोग, HNO2 की रिएक्शन करवाओगे अमीन के साथ, करवा दो HNO2, NaNO2HCl, ये आपका बनाएगा अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, क्या बनाएगा, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहां पे आप पानी डाल दोगे तो आपको पता है अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, अल्कोहल, कई बार देख चुके हैं इसको हम, ठीक है, गर्म पानी डाल देते हैं तो अल्कोहल बन जाता है, ठीक है, ये आपका अल्कोहल बन गया। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बन जाता है, और अल्काइल से क्या बन जाएगा, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड से अल्कोहल बन जाएगा। तो ये आप अमीन से डायरेक्ट बना सकते हो अल्कोहल, याद रखना कन्वर्जन में यूज हो सकता है। अमीन से अल्कोहल बनाने का तरीका है, NaNO2HCl डाल दो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फिर यहां पे गर्म पानी डाल देना तो आपका अल्कोहल मिल जाएगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी आया था 2 साल पहले और बोर्ड में भी आ चुका है। अब इसको बोलते हैं हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका स्ट्रक्चर देख लो जरा, ये आपका हो गया एराइल, अब सल्फोनाइल देख लो और फिर ये क्लोराइड देख लो, तो ये हो गया आपका एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये 3 डिग्री नहीं देगा, 3 डिग्री नहीं देगा, याद रखना है इसको, ये 3 डिग्री नहीं देंगे। तो देगा कौन कौन सा, 1 डिग्री 2 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री को कैसे पता करेंगे, यहां पर आप ले लेना डबल बॉन्ड और सीएल, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया। अब 1 डिग्री अमाइन ले लो, 1 डिग्री अमाइन को जानते हो ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसको निकाल देना, क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा बेंजीन, मैंने टेढ़ा बना दिया थोड़ा सा, टेढ़ा है तो मेरा है, यहां देख लो, ये आपका NH,
ये आपका आर, तो ये वाला एच निकालेगा। एच निकालेगा मतलब ये एसिड है, सॉल्युबल इन अल्कली, बेस में सॉल्युबल होगा, ये बेस में सॉल्युबल होगा, क्लियर है? तो 1 डिग्री अमीन से जो मिलेगा वो बेस में सॉल्युबल होगा। 2 डिग्री अमीन का देख लो, ये आपकी हो गई हिंसबर्ग रिएजेंट, और 2 डिग्री अमीन बनाओ। 2 डिग्री क्या होता है, 2 R लगे हो, नहीं ये निकाल दो, क्या बन जाएगा? अब तो H बचा नहीं, H बचा क्या अब? नहीं बचा, ये भी R, ये भी R, नॉट सॉल्युबल इन अल्कली, नॉट सॉल्युबल इन अल्कली। अब बात आती है 3 डिग्री अमाइन की, तो 3 डिग्री अमाइन में H है ही नहीं, तो HCl निकलेगा ही नहीं, समझे नहीं समझे? तो HCl नहीं निकलेगा, इसलिए ये नहीं देगा, क्लियर है? याद रखना इसको। अब बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, किसकी बात आती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोग समझते हैं एरोमेटिक अमीन की बात। तो एरोमेटिक अमीन मतलब एनिलीन, तो एनिलीन का कराओ ब्रोमिनेशन। तो जब आप ब्रोमिनेशन कराते हो ना, पानी डालते हो, पानी आपको सिखाया मैंने, पानी डालते हो तो भर के Br+ निकलते हैं, तो भर के जो है Br+ निकलेंगे तो कहाँ कहाँ आ जाएंगे, ऑर्थो पैरा पे आ जाएंगे एक साथ। तो ये तो हो गया आपका ब्रोमिनेशन का कमाल, अगर आप पानी डालते हो तो। अब यहीं पर आप बात करते हो, किसकी बात करते हो? नाइट्रेशन की। अगर आप नाइट्रेशन की बात करोगे तो नाइट्रेशन के केस में बड़ा सुंदर केस देखने को मिलता है हमको। यहां पे आप लोगे HNO3 और H2SO4। जैसे ही आप H2SO4 लोगे तो ये H+ निकालेगा, ये आपको पता है, नेचर है इसका, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये पहले ही से गप कर लेगा, ये बना लेगा एनिलीनियम आयन। और अगर ये बन गया ना, तो ये हो गया विड्रोअर, और अगर ये विड्रोअर हो गया तो ये फिर क्या करेगा, ये क्या करेगा फिर, ये मेटा डायरेक्टर हो गया। मेटा डायरेक्टर का मतलब समझ रहे हो, कि यहां पे अगर नाइट्रेशन होगी ना, यहां पे अगर नाइट्रेशन होगी तो NO2 कहां जुड़ेगा फिर, मेटा पे जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा, याद रखना है इसको। तो मेटा पे मिल जाता है इससे, और सारे के सारे तो H+ लेंगे नहीं, सारे तो H+ लेंगे नहीं, तो कुछ हमारे ऑर्थो पैरा पे भी तो देंगे, तो ऑर्थो पैरा पे भी जुड़ेगा, तो ये NO2, ठीक है, ऑर्थो पे, और ये NO2 आपका पैरा पे, ये आपका NO2 पैरा पे आ जाएगा, इस तरीके से आप बता सकते हो। तो कितना कितना बनता है ये भी तो देख लो, ये आपका बनेगा 47%, ये आपका बनेगा 51%, ये आपको बनेगा 2%। अरे उल्टा लिख दिए, और तो कम बनता है, ये बनेगा 2%, पैरा वाला कितना बनेगा, 51%। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट? पैरा सब में ज्यादा ही बनेगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बोलते या बोलते या बोलो, बोलते या अरे इसका रिजल्ट क्या होगा मेटल डिटेक्टिंग अगर पूछेगा तो? ठीक बताया, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया, ये इलेक्ट्रॉन है सर। विड्रॉइंग ग्रुप बनेगा, तभी ये मेटा डायरेक्टर हो गया, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस केस में यहाँ पर EWG बन गया ये, क्योंकि इसने H+ ले लिया, इसलिए बन गया ये। अब बात करते हैं हम लोग सल्फोनेशन। अब सभी के सभी भी तो बनेंगे नहीं, सभी के सभी तो H+ लेंगे नहीं, कुछ हमारे सीधे भी रिएक्ट करेंगे, तो ये अगर सिर्फ एनिलीन रहा तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, और कुछ हमारे एनिलीन H+ लेके एनिलीनियम आयन बनेंगे,
तो वो हमारे 47% देंगे 100 में से मेटा पोजीशन पे। अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन के केस में भी कुछ ऐसा ही केस हमें देखने को मिलेगा। आप ले लोगे एनिलीन और यहां पे ले लोगे H2SO4। तो H2SO4 से क्या होगा, ये H+ लेगा तुरंत। जैसे ही H+ लेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एनिलीनियम आयन। जैसे ही एनिलीनियम आयन बनेगा ना, तो बाकी का जो पार्ट है HSO4- वो यहीं पर लग जाएगा। HSO4- वो यहीं पर लग जाएगा तुरंत। अब यहां पे रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। फिर रीअरेंजमेंट दो तीन बार देखने को मिलता है यहां पर इस रिएक्शन में। तो आप टेम्परेचर दोगे 553 से 4 सॉरी 453 से 473 केल्विन। तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला एनिलीनियम के बाद वाला, ये वाला पार्ट पैरा पे लगेगा। कहां पे लग जाएगा, पैरा पे। ठीक है, इसको तोड़ देना, H2O निकाल देना आप इससे ना, H2O निकाल देना, दोनों से मिलाकर H2O निकल जाएगा। हीट करोगे तो वाटर एवोपरेट हो जाएगा, तो NH2 और SO3H मिल जाएगा आप। इस तरीके से बना लोगे आप, पानी निकाल देना यहां से, क्योंकि हीट अप कर दोगे तो पानी तो निकलेगा। तो अब यहां पर बात आती है रीअरेंजमेंट की दोबारा। ठीक है, तो ये सल्फोनिक एसिड है और ये है बेस, तो ये तुरंत इस H+ को फिर से पकड़ लेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ऊपर ये बन जाएगा NH3+ और नीचे क्या आ जाएगा, SO3-। जब भी ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ज्यूटर आयन, तो जब भी एक मॉलिक्यूल पे प्लस और नेगेटिव एक साथ होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग ज्यूटर आयन बोलते हैं। ये एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हो। एंड इट इज स्टेबल एंड द होल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। होल मॉलिक्यूल न्यूट्रल तब होता है जब दोनों बराबर के चार्ज हो उसमें, तो उसको हम न्यूट्रल बोल देंगे। तो इस तरीके से आप सल्फोनेशन भी बोल सकते हो। अब क्वेश्चन आ सकता है, क्या फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन देगी क्या एनिलीन, नहीं देगी। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देने का मतलब क्या हो गया, वाई फ्रिडल क्राफ्ट नॉट गिवन बाय एनिलीन या एरोमेटिक अमीन या एमीन। देखो एसाइलेशन तो देगी, ये हमने देख लिया था। देखो यहां पर दिया था एसाइलेशन, कहां गया एसाइलेशन, ये दिया था, एसाइलेशन तो देती, लेकिन फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, इसको देख लो। मान लो आपने अल्काइलेशन कराया, तो इसमें रिएजेंट क्या लेते हो, एनहाइड्रस AlCl3। Al की जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, उसमें ये अमोनिया जाके अपने लोन पेयर दे देता है। तो भैया ये खुद ही के साथ जो है दोस्ती कर बैठे, ये आपस में ही दोस्ती कर लिए, इसका कोई काम रहा नहीं, तो फ्रिडल क्राफ्ट नहीं हो पा रही। ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्यों, रीजन क्या बताओगे, बिकॉज एनिलीन नाइट्रोजन डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू दी एल्यूमिनियम वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर है, तो वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम। टुल्ली बाबा पूरी दोपहर लेके बैठ, क्लियर है, समझ में आई बात। महाकाल के भक्त अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है, वरना फिर यहां पे सीधे महादेव आ जाएंगे एग्जाम में। अब यहां पर हम बात करते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट। डाई एजोनियम सॉल्ट, डाई एजोनियम सॉल्ट की कहानी हमने बहुत पहले से सुन रखी है। तो डाई एजोनियम सॉल्ट में क्या आ जाएगा, यहां पे ये एनिलीन है और एनिलीन NaNO2+HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहां पर आपका बन क्या जाएगा, N2Cl। पता है आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गई। तो इस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है,
फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बताएंगे एप्स की? फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बताएंगे, ये पूछी जा सकती है आपसे। तो इट इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, स्टेबल इन कोल्ड, क्योंकि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है, स्टेबल इन कोल्ड, क्लियर है, रिएक्ट विथ वार्म वाटर, अल्कोहल बनाता है, गर्म पानी ले लेना हीट के साथ, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। अब इसमें आपको रिएक्शन पता है, तो रिएक्शन सारी आप कर ही लोगे। कौन कौन सी रिएक्शन है N2Cl के साथ? गटरमैन रिएक्शन देती है Cu+HCl, ये गटरमैन रिएक्शन देगी तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, आपने पढ़ रखी है। सैंडमेयर रिएक्शन देगी Cu2Cl2 के साथ HCl, ये सैंडमेयर रिएक्शन देगी तो भी आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो इसमें। तो ये गटरमैन रिएक्शन हो गई, इसमें नेम रिएक्शन, ठीक है, ये आपकी सैंडमेयर रिएक्शन हो गई, ठीक है, ये आप करवा सकते हो। Ki के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, तो Ki के साथ आयडोबेंजीन बन जाती है। ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आप वही ले लो Cu2Br2, HCl के साथ, या Cu+HBr, ये आप सारी रिएक्शन करवा सकते हो। गॉट इट? HBF4 के साथ कराना है तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा आपका, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब अगर इसमें आप NaNO2 लेते हो, ये याद रखना, अगर आपने HBF4 ले लिया, ठीक है, और फिर NaNO2 रिएक्शन करवा दी NaNO2 के साथ, हीट के साथ, तो यहां पर नाइट्रोबेंजीन बना लोगे वापस आप, ये याद रखना। तो HBF4 में NaNO2 मत डालना, अगर फ्लोरोबेंजीन बनानी है तो, फ्लोरोबेंजीन बनानी है तो सिर्फ HBF4 डालना, ठीक है, और हीट कर देना तो बन जाएगा, लेकिन अगर NaNO2 डाल दिया तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा फिर आप। इतनी बात समझ में आ गई? बाकी कपलिंग रिएक्शन होती है लास्ट, कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन डायजीनियम क्लोराइड जो लोगे ना, ये N2Cl, तो इसकी आप रिएक्शन करवा सकते हो किसके साथ, ये आपका H हो गया बगल वाला है, फिनॉल के साथ, तो ये आपका निकाल देगा HCl, ये, ठीक है, बिल्कुल पैरा वाला H निकलेगा यहां पर, ध्यान देना, तो ये कपल बन जाएगा आपका, कपल बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक कपलिंग रिएक्शन ये हो जाती है। दूसरी कपलिंग रिएक्शन एनिलीन के साथ होती है, ये डबल बॉन्ड एन और ये सीएल, और यहां पर ये आपका हो जाता है NH2, तो इसका भी एच निकल जाता है ऐसे, ये वाला पार्ट, तो ये भी आपकी कपलिंग रिएक्शन आ जाएगी, क्लियर है, ये भी आपकी कपलिंग रिएक्शन हो गई, तो ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को इसमें। सर, ये कपलिंग रिएक्शन में ऑरेंज डाई का क्या सीन है? इसमें ऑरेंज डाई और येलो डाई बनती है अलग अलग, ऑरेंज डाई और येलो डाई बनेगी। ऑरेंज डाई आपकी फिनॉल के केस में बनेगी और येलो डाई आपकी बनेगी एनिलीन के केस में, ये याद रखना, ऑरेंज डाई और येलो डाई बनती है, बस ये याद रखना। डाई मतलब एक गाढ़ापन बनता है यहां पर, ये ऑरेंज डाई हो गई, ये ऑरेंज हो गई और ये येलो डाई हो गई, बस, और कोई सीन नहीं है इसका, ठीक है, क्लियर हो गई सबको कहानी? कोई डाउट यहां तक?